सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल देवी प्रतिभा जी को और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा का, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हे प्रभु, समस्त जगत के पालन करता, समस्त प्राणी को बनाने वाले हे जगत के मालिक, आप हर जगह निवास हैं, निवास करते हैं और आपको मैं वंदन करते हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा, हे वासुदेव, हे नंद नंदन, हे देवकी नंदन, मैं आपके चरण में वंदन करती हूँ और आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। कुंती बुआ ने भगवान से एक वरदान मांगा, जानते हैं आप क्या मांगा होगा? प्यार से बोलो, जोड़ से बोल दीजिए ना। कुंती बुआ ने भगवान से एक चीज मांगा। मैया बोली कुछ मांगना है, आप दोगे? भगवान बोले आप कुछ भी मांगोगी ना, वो मैं देने के लिए तैयार हूं। भगवान बोले बोलो ना बुआ, आपको क्या चाहिए? बुआ जी कहती हैं, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस दुख दे दो। अच्छा, यहाँ कौन ऐसा होगा भगवान मिल जाए और भगवान बोले कि कुछ मांगना है तो मांगो, तो दुख कोई मांगेगा क्या? नहीं मांगेगा, क्योंकि हम सब तो अगर भगवान मिल भी जाए, अगर पूछ लें कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तो हम जैसे लोग कहेंगे रुको थोड़ा सा लिस्ट लेकर के आओ। प्यार से बोलो, क्योंकि सब लोग यही सोचते हैं कि हमारे लिए सब कुछ मिल जाए, किसी भी चीज की कमी ना रह जाए, इसलिए बहुत सारे चीज है मांगने को। तो कुंती बुआ कहती है मुझे दुख दो, ऐसा वरदान जो कभी किसी ने मांगा ही नहीं होगा। भगवान बोले आपके जीवन में दुख की कमी है क्या? बचपन से लेके अभी तक आपको दुख ही तो मिला, फिर भी दुख क्यों मांग रहे हो? कुंती बुआ कहती है विपदा संतु ना सस्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यस्या द पुनर्भवदर्शनम। हे प्रभु, मैं बस जीवन में दुख चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपका नाम दीननाथ है। अच्छा, भगवान का नाम ये नहीं है सुखनाथ नहीं है, भगवान का नाम क्या है? दीननाथ। धनीनाथ नहीं है, अमीरनाथ नहीं है, उनका नाम है दीननाथ। जो व्यक्ति दुखी होता है उसी के साथ परमात्मा निवास करते हैं। आज कुंती बुआ कहती है कि प्रभु हमें जीवन में दुख दो, अगर जीवन में दुख होगा तो आप याद आओगे, लेकिन जीवन में सुख होगा तो आप याद नहीं आओगे। आप जानते हैं जब भी आपके घर में कुछ अच्छा काम होता है, आपने जो चाहा वो मिल जाता है, तो आप लोग करते क्या है? पार्टी करते हैं, दोस्तों को बुलाते हैं, बोतल खुलाते हैं, होटल में जाते हैं, क्या क्या खा लेते हैं ना। लेकिन दुख आए तो पार्टी करोगे? दुख के समय क्या करते हैं? मंदिर जाते हैं, नारियल फोड़ते हैं, बेलपत्री चढ़ाते, एक लोटा जल, सभी समस्या का। प्यार से बोल दीजिए ना।
मंदिर जाते शंकर जी को खूब लोटा भर भर के जल चढ़ाया, बेलपत्री चढ़ाए, चंदन लगाए, गणेश जी को दुबा चढ़ाए, प्रभु समस्या से मुक्त दिला दो, मुक्ति कर दो, बस ये दुख हट जाए, ये समस्या मिट जाए, हमारे जीवन में दुख ना आए, धन संपत्ति मिल जाए। व्यक्ति दुख के घड़ी में ही भगवान को याद करता है, इसलिए जीवन में दुख का होना भी जरूरी है।